हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि आप LLM CCS यूनिवर्सिटी का फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे फिल करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक हमारी वीडियो में जुड़े रहिए और लास्ट तक इसको देखिए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको CCS यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना होगा। ac.in पर जाकर यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा और फिर आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। एडमिशन क्लिक करते हुए इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। फिर आपको अप्लाई क्लिक नाउ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सारे और फिर एग्री गो टू रजिस्टर। ये फ्रेंड्स, इस तरह का हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जिस कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। यहाँ पर मैं LLM करूँगा 3 ईयर का। तो फ्रेंड, यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर डालें। आपके पास मेल भी आएगा और मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। तो इस तरह करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। हम इसको क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको आप फिल करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का मैसेज आएगा। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है और फॉर्म नंबर और पासवर्ड आप अपने पास सेव रखें। इसको अपने पास सेव रख लें। फिर इसी से ही हम आगे फॉर्म फिल करेंगे। हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया। तो हम फिर वापस उस पे ही जाएंगे साइट पर। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर साइट में लॉगिन। यहाँ पर दोस्तों, हमारा फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर हम ने पासवर्ड पहले से ही सेव कर रखा है। यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, जब भी फॉर्म आपके समझ में आएगा और आप इसको आगे अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके वास्ते वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप, हमारा फॉर्म इस तरह से भरा जा चुका है। यहाँ पर अपना फादर्स ने, मदर्स ने जो हमने पिछले भरा था यूपी, यहाँ पर जो कैटेगरी है इसको फिल कर दें। आप इकोनॉमी हैं तो ई बिलोंग करते हैं, EWS यानी इकोनॉमी वर्ड। उस पे कश्मीरी हैं तो यस नहीं वो आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश डोमिसाइल है, उत्तर प्रदेश का डाल दें यस। मैरिट हो तो अनमैरिट। यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर पिन कोड जहाँ के हो आप, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ऑटो ये अपना फिल हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर हो सबमिट पर इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर तो फिर आप इस तरह से एजुकेशनल पर पहुंच जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस तरह का पेज खुल चुका है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। 2009 हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, LLB 3 ईयर। आपकी अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में अवेटेड पर क्लिक कर दे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अवेटेड नहीं हुआ है तो उस पर क्लिक कर दें। और पास हो चुके हो तो यहाँ पर इसका नंबर फिल कर दें। यहाँ पर जो आपने कर लिया स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छे से इसको पढ़ पढ़ कर यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर तो हमें पूरा ही फिल करना है। 10वीं में यहाँ पर आपने कॉमर्स जिस साइड से करा हो, लॉ से, कॉमर्स कॉमर्स यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर अपने नंबर अच्छे से आप फिल कर दें। और यहाँ पर मेंबर ऑफ चैंपियन टीम, जो आप खेल से हैं तो यहाँ पर यस कर दें। फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर जो आपका सिस्टम, आपने ग्रेजुएशन CCS से करी है या अदर से, तो यस करें वरना नो करें। और यहाँ पर सर नाम डॉक्टर शीशा यूनिवर्सिटी, जो आपके एम्प्लॉई है तो यहाँ पर यस कर दें। यहाँ पर एनी फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ पर या फिर NSS NCC जो भी है यहाँ पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर अमाउंट, आपकी एनुअल अमाउंट कितनी है, 48,000 रुपये जो आपने ऊपर फिल करा है, यहाँ पर हम आराम से यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पर इसको क्लिक कर दें। ये पूछ रहा है एनी अदर सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट उसका नंबर यहाँ पर भर दें और इसको ऐड कर दें। तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पेज खुलता है अपलोड फॉर्म का। ये फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर आप 200 DPI में आप फोटो को स्कैन करें और सिग्नेचर को स्कैन करें। तो यहाँ पर आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐड कर दें। ये 25 KB से 8 KB बीच हमारा फोटो होना चाहिए, 15 से 5 KB। आप ऑटोमेटिकली 200 KB में करते हो तो ये आपका ऑटोमेटिक ही इतने महंगा क्रॉप कर कर। फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दें हमारे वीडियो को और आगे शेयर कर दें जरूर, जिससे कि और स्टूडेंट का भला हो सके, अपने पैसों को बचा सके और खुद फॉर्म फिल कर सके। तो फ्रेंड्स लास्ट में आता है हमारा यहाँ पर कॉलेज चूज फाइनल सबमिट। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो कॉलेज लेना चाहें, ये बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए मेरठ कॉलेज बहुत सस्ता कॉलेज है, यहाँ पर इस पहले से ही चूज करें आप। फिर DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, जो आपका पढ़ता हो एरिया, हमारे इधर ये पढ़ता है यहाँ पर, जो सा आपको अच्छा लगे इनमें से आप फील कर सकते हैं, ये हमारे एरिया वालों के लिए बात है। फिर तीसरे पे आप CCA यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ दें, दोनों थोड़ा महंगे हैं लेकिन थोड़ा बहुत सस्ता है। और फ्रेंड यहाँ पर हमने ऐसे में एक का फॉर्म भरा था, ये तो यहाँ पर 500 रुपये फीस दिखा रहा है। यदि आप जनरल OBC में तो आपकी 700 रुपये फीस होगी। और आप पे नाउ पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे होंगे आप इस तरह का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर सबमिट पर पे नाउ पर क्लिक करें। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप सिलेक्ट योर प्रेफर्ड पेमेंट अलाउ, आप किससे करेंगे, मास्टर से, वीजा से। तो यहाँ पर वीजा ले लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर और ये भरते हुए आगे बढ़ना है, सिक्योरिटी कोड डालते हुए आगे बढ़ना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक OTP आएगा, आप OTP को उसमें डाल दें और अपना नंबर भी कुछ शेयर ना करें, आप अच्छे से डाल सकते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी डेट, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, ATM के पीछे होता है, देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है 3 डिजिट लास्ट के। और पे नाउ पर क्लिक कर दें और फिर आपको 2 मिनट रुकना होगा। 2 मिनट रुकने के बाद ऑटोमेटिक आपका पेज हमारे फॉर्म वाले पेज पर पहुंच जाएगा और वहां से आप आसानी से प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं और फॉर्म को PDF बनाकर अपने पास सेव रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ वीडियो को स्टॉप कर कर, तो फ्रेंड्स आप भी कर लें। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और किसी दूसरे का भला हो सके।